गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 से संबंधित आज नया टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, इसके साथ बारे में हम पढ़ेंगे आज। परिमेय संख्या के अंदर सबसे पहले इसके बारे में एक ज्ञान रखना परिभाषा, इसकी क्या पढ़ना है, परिभाषा डेफिनेशन जिसे कहते हैं। दूसरा है परिभाषा के अंदर सबसे पहले ये देखोगे इसको किस रूप में लिखते हैं, पहले वो ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानकरण परिमेय संख्या संख्या पद्धति के अंदर ही चलता है, उसके अंदर ये चीजें बता दी गई है। ये टॉपिक पहले के अंदर ही समझाया था, संख्या पद्धति के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के आधार पर ही परिमेय संख्या बनती है। तो डेफिनेशन ये है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है और P व Q, क्या लिखा हुआ है, P व Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा Q बराबर नहीं है जीरो के। ये डेफिनेशन आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है और P व Q एक पूर्णांक संख्या तथा Q बराबर नहीं है जीरो की। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये चीज P बटा Q क्या किया हुआ है, P बटा Q इसका मतलब है अंश बटा हर। क्या है, अंश बटा हर। और दूसरी चीज ये बताई गई है, ये पूर्णांक है। अब पूर्णांक के अंदर क्या होता है ये ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सब चीजें बता रहा हूं। पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं, यानी प्लस की संख्या माइनस की संख्या दोनों होती है इसके अंदर। लेकिन कंडीशन लास्ट में एक और कही है, क्यू के अंदर, क्यू का मतलब है हर में शून्य नहीं होना चाहिए। ये कहलाती है परिमेय संख्या। इसको और इंग्लिश में इसको कहते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P व Q एक पूर्णांक संख्या तथा Q बराबर नहीं है जीरो के। P बटा Q का मतलब होता है अंश बटा हर, एक तरह से ये भिन्न कहलाती है। दूसरा शब्द है पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों ही होती है, एक नहीं होगी। और हर में शून्य नहीं होता है। हर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या, जो आपने भिन्न बनाई है अंश बटा हर में जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होता है ये। देखें संख्या आपने लिखी जैसे ये 6/7, ये परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है। भिन्न और परिमेय में फर्क है, भिन्न के अंदर हमेशा ध्यान रखना माइनस की संख्या नहीं होती, जबकि परिमेय के अंदर डेफिनेशन से ही पता चलता है ये माइनस की संख्या इसमें होती है, ये फर्क रहता है माइनस की। कंडीशन मैंने बात की ना जीरो की, शून्य के रूप में, उस शून्य का एक एग्जांपल देखोगे। पहली कंडीशन ये होती है कि 0/15 है,
ये परिमेय संख्या है, यदि इसका आप इसमें भाग दोगे ना तब भी बराबर में क्या आएगा, इक्वल टू में जीरो ही आएगा, क्योंकि भाग नहीं जाता, हम कहते भाग टूटा, जीरो लगाएंगे। जबकि इसी से संबंधित दूसरा है, जैसे आपने लिखा है 7/0, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। डेफिनेशन में यही कहिए, परिभाषा में यही कहिए, क्यू बराबर नहीं है जीरो के, मतलब हर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो होता है तब हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता है। ठीक है ना, भाग नहीं जाता है, इसका इसमें भाग जाएगा जीरो आएगा, जबकि इसका भाग नहीं जाता है। एक शब्द आता है सिंबल के रूप में, अनंत, अनकाउंटेबल, भाग नहीं कर सकते, ये परिभाषा है। परिमेय संख्या के अंदर परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, p व q एक पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर है जीरो के, इसको हम इस रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में। पूर्णांक के अंदर धनात्मक ऋणात्मक संख्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक कैसे, ये प्लस में है, दूसरा ये माइनस में, सिंबल के रूप में, और हर में शून्य नहीं होना चाहिए, हर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है लेकिन हर में नहीं, जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये है इसकी परिभाषा। उसके बाद है समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ऐसी दो परिमेय संख्याएं, ऐसी दो परिमेय संख्या आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी दो परिमेय संख्याएं एक समान हो, एक जैसी हो, अब करना कैसे उसका तरीका देखेंगे, एक समान होता है या एक जैसी होती है, मतलब जो संख्या लिखी गई है, जो संख्या होगी अंश बटा हर के रूप में और समतुल्य करेंगे, दोनों के अंक एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं एक समझा रहा हूं आपको एग्जांपल से, 2/4 क्या लिखा हुआ है, 2/4 मैंने इधर लिख दिया, दूसरी संख्या 4/6, एक मिनट, 6 की जगह 8 लिखना, क्या लिखा, 4/8। अब देखो मैं यदि इस पहाड़े में काटता हूं, ये दोनों 4 की पहाड़े में कट रहा है, कितनी बार कटेगा, ये एक बार, ये 2 बार, ये भी कटता है, ये एक बार, ये 2 बार, यानी आंसर इसका क्या है, 1/2, 1/2, दोनों एक जैसी संख्या आई, तो ये कहलाता है समतुल्य परिमेय संख्या। और समझेंगे इसको अच्छी तरह से, ध्यान रखोगे कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है या किस तरह से हम इसको करते हैं, करने का क्या तरीका होता है, वो समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हम। देखो इधर समतुल्य परिमेय संख्या कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या, 2 परिमेय संख्या, यानी एक तरह से भिन्न के रूप में संख्या होनी चाहिए। अब कैसे है, जैसे आपको मैंने कह दिया 3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, कितनी कह सकता है, जितनी कहेगा प्रश्न में, 1 कहेगा, 2 कहेगा, 3 कहेगा, जैसे है वैसे करेंगे। अब इसको बनाना है समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में, हमेशा ये ध्यान रखना जो भी समतुल्य अनुपात होता है एक ही संख्या का होना चाहिए, अलग अलग संख्या का नहीं होता, तभी तो कहा ऐसी दो परिमेय संख्या एक समान होनी चाहिए, एक समान का मतलब एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया है, तो हर में भी मैं 2 से गुणा करूंगा तभी समतुल्य अनुपात कहलाएगा। अब जैसे गुणा आपने कर दिया, कितना आया, 6
बटे 14। इसी तरह से आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, इसी को ही इस प्रश्न को ही आगे करने का प्रयास कर रहे हो। दो की बाद संख्या तीन आती है, हमेशा ध्यान रखना एक हम नहीं लगेंगे, एक वो खुद ही संख्या होती है, एक का वापस गुणा करोगे वही आती है 3/7। इसलिए सबसे पहला संख्या करोगे 2 के रूप में, 2 के बाद आता फिर संख्या 3। अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करना है, अलग अलग संख्या का गुणा करोगे तो ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, या एक और आता है समतुल्य भिन्न संख्या नहीं होगी, जब दोनों अलग अलग होंगे तब। दोनों की कंडीशन ये होती है कि एक ही संख्या से गुणा करना है, जैसे गुणा किया इसका 9/21। अब किसी ने पूछा कि सर ये इसका तुल्य अनुपात कैसे हुआ, समतुल्य अनुपात, ये आपने गुणा किया 2 से, क्या आया 6/14 आया, आप क्या करोगे वापस जिस कौन सी संख्या में दोनों कट रही है, ये 2 में आ रहा है ये भी 2 में आ रहा है, जिस संख्या का आपने गुणा किया उसी संख्या का ही भाग दिया जाता है, दूसरी संख्या का भाग जाएगा भी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। ये गया वापस 3/7, ये गया 7/7, क्या आया 3/7। इसी तरह से इसमें भी ये दोनों 3 में कट रहे हैं, ये 7 में कटता है तो ये 7 में नहीं आता है, ये 9 में कटता है तो ये 9 में ये नहीं आता है, दोनों एक ही संख्या 3 के पहाड़े में, देख लो ये 3/7 ये 7 बराबर में लिखा 3/7। अब देखो एक ये रही संख्या जो आपने गुणा करने के बाद कंडीशन थी, और वापस मैंने उसी संख्या का ही भाग दिया है, वापस जो प्रश्न में संख्या होती है, जो प्रश्न में संख्या दी हुई होती है वही आती है, तभी कहलाएगा समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं तो समतुल्य परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसी को ही समझना था। और दूसरा ये है, हम जितना पूछे उतना कर सकते हैं, और यदि वापस लिखते हैं 3/7, आपने जैसे कर दिया है 3 का 7 का 2 से गुणा किया तो क्या आया था 6/14 आया था, 6/14, और 3 से गुणा किया था तब क्या आया 9/21। एक तरह से दूसरा मैं लिखने के रूप में मैं बात कर रहा हूं, 3 के पहाड़े में ये भी आता है ये भी आता है, एक तरह से क्या हुआ 3 का गुणज, ये किसका है 3 का गुणज या 3 का पहाड़, 3 का गुणज को या 3 का पहाड़ा आएगा उसी के अंदर से चलता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसी तरह से 7 का क्या है ये गुणज या पहाड़ा बोलते हैं, या बोलते हैं टेबल, इंग्लिश में टेबल मल्टीपल के रूप में होता है, एक ही पहाड़े में आना चाहिए 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, क्योंकि 4 का गुणा करोगे ना तो यही आएगा, ये 3 में 4 का गुणा करोगे 12 आएगा, 7 में 4 का गुणा करोगे 28 आएगा, यानी 12/28 आएगा। आगे ऐसे कर सकते 12/28, देखो 3 का पहाड़ा बन रहा है ऊपर, नीचे बनेगा 7 का पहाड़ा, जो संख्या इधर है वो उसके पहाड़े के रूप में आएगा, यही कहलाता है समतुल्य अनुपात। वापिस ये जो आगे संख्या दी गई है, जिस संख्या का आपने गुणा किया उसी संख्या का वापिस इसी में दोनों में काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे, छोटा रूप करोगे, सरल रूप करोगे, वापिस जो प्रश्न में संख्या होती है या जो अपने को संख्या है वही के वही आती है, तो वो कहलाता है समतुल्य परिमेय संख्या। ये है समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझना ही है, करने का तरीका क्या होता है वो समझना है। प्रश्न में देगा 2 निकालनी 3 निकालनी 4 निकालनी, 2 निकालनी है तो पहले 2 का कर दो, ऊपर नीचे एक ही संख्या से होना चाहिए, अलग अलग संख्या नहीं होनी चाहिए, अलग अलग हुई तो ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। 2 से किया फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 6 से करो, 7 से, इस तरह से करते हुए आप एक तरह से ये कहोगे इधर जो संख्या है 3, ये 3 का पहाड़ा बनता है, नीचे संख्या हर के रूप में 7 है तो 7 का पहाड़ा बनता है, ये है समतुल्य परिमेय संख्या। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे से संबंधित।